विधानसभा चुनावों में बीआईपी सीट नदौन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी मेडिकल कॉलेज को लेकर आमने सामने आ गए हैं। हमीरपुर जिला के जोलसप्पन में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को लेकर जहां बीजेपी पूरा श्रेय लेने में जुटी हुई है तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। फिलहाल अभी मेडिकल कॉलेज तो बना नहीं है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार विजय अग्निहोत्री और कांग्रेस उम्मीदवार सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने प्रचार अभियान में मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि बीजेपी आरटीआई लेकर जानकारी हासिल कर सकती है। नदौन विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार विजय अग्निहोत्री ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज को लेकर वह बिल्कुल झूठ बोलते हैं और बीजेपी ने मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए प्रयास और योगदान दिया है। बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं सुखविंदर। मेडिकल कॉलेज की जहां तक बात है, उसमें एक एक पैसा एनडीए सरकार के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उसको दिया है। मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित करना, उसके एनओसी लेना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। उसमें वो असफल हो रहे थे, उसको हमने फैसिलिटेट किया है। हम अनुराग ठाकुर जी ने इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके कारण से आज जोलसप्पन में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन थ्रू हुई है। और मेडिकल कॉलेज का हमने हमेशा समर्थन ही नहीं किया, हमने उसको एस्टेब्लिश करने के लिए काम किया है। हमने नड्डा जी से पैसे, अगर ऐसे होता तो नड्डा जी से पैसे क्यों डालते? एक भी पैसा यूपीए गवर्नमेंट के समय में नहीं था। कागजी घोषणाएं करके कॉलेज नहीं खुलते हैं, केवल बीजेपी की गवर्नमेंट ने और अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों से ही ये सारा संभव हो रहा है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और अगले साल इसका शिलान्यास होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व नदौन के उम्मीदवार सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी तो झूठ बोलने में माहिर है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज को कांग्रेस लेकर आई है और बीजेपी आरटीआई के तहत जानकारी हासिल कर सकते हैं। बीजेपी तो झूठ बोलने में माहिर है और आप तो पत्रकार बंधु है। आज जो चीज मैं लेकर आया हूँ वो तो आप सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन से ले सकते हैं। उस नोटिफिकेशन की कॉपी ले लीजिए जिसमें 189 करोड़ सैंक्शन किया गया। ये लोग तो उसको रुकवा रहे हैं ये सोचकर कि हमारी सरकार बनेगी तब हम लगाएंगे। हमारी सरकार बन रही है, हम इतिहास बनाने जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज गुलाम नबी आजाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है। 55 पिछड़े जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलने थे, ये एक ऐसा जिला था जहां मैंने अपना मेडिकल कॉलेज करवाया। बीजेपी बोल रही है, बीजेपी ने तो आज तक बोला नहीं और लोग जानते हैं। नोटिफिकेशन बीजेपी की सरकार में नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार के समय है जब गुलाम नबी आजाद जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे। गौरतलब है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का काम पिछले 5 सालों से राजनीति के पेच में फंसा हुआ है और इस बार विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशी भी जनता के बीच मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, जिसमें राजनीति गरमाई हुई है।